गाइस जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा आप वहाँ पे टैप करते हैं इसकी, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज की होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। मेक श्योर आप यहाँ पे सही वेबसाइट पे मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंट्री होगा वो डाल देना है, जैसे कि मेरा इंडिया है। फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल देंगे और यहाँ पे रेफरल कोड वगैरह जो भी हो मिलेगा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड मैंने बना लिया है। पासवर्ड में आपका यहाँ पे अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कोई भी नंबर होना चाहिए। तो इनको मिला के आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब यहाँ पे साइन अप पे हम टैप करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे ईमेल आईडी पे एक हमारा कोड यहाँ पे आएगा, आपको उस कोड को देख के यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे तो ये हमारा जीमेल पे आया था ईमेल। और अब यहाँ पे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फ वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो इस पर हमने टैप कर दिया। अब हमारा ये नेक्स्ट यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे टैप करना, अगर आपको इंस्टीट्यूशन वगैरह है तो इंस्टीट्यूशन पे आपको इस पर टैप करना है। बट हम यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल है, तो आप हमारा इंडिविजुअल पे रहने थे। कंट्री यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा अनवेरीफाइड दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हमारा फोन वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें होंगी, यहाँ पे सारी मेंशन है। सो वेरीफाई नाउ पे यहाँ पे टैप कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक फोन नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड पे कनेक्टेड होगा, जो भी आपका मेन फोन नंबर है। तो यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया, वेरीफाई फोन नंबर पे मैं टैप कर देता हूँ। अब हमारे फोन नंबर पे एक कोड आएगा, अब आपको उस कोड को यहाँ पे डालना है। सो ये आ चुका है हमारा। तो ये मैंने कोड डाल दिया जो हमारे फोन नंबर पे आया था। अब हम सबमिट कोड पे यहाँ पे टैप कर देंगे। अब हमारा नंबर वेरीफाइड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन की तरफ। सो यहाँ पे कैमरा का एक्सेस और हमारे माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है, सो इसको दे देंगे यहाँ पे हम, अलाउ कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे फुल नेम डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड में नाम है वो आपको डालना है। डाल देते हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। पहले यहाँ पे हम साल डालेंगे, फिर महीना, फिर डेट। तो अब हमारा यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, जो हमारा पैन कार्ड नंबर है वो डालना है। अब हमारे यहाँ पे पैन कार्ड की फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे फोटो लेके रखी हुई है, अगर आपने नहीं ली है तो आप कैप्चर भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने ले रखी है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है मेरे फाइल में, तो मैं इसको अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड वगैरह अपडेट कर दिया और यहाँ पे हमारा अपने आप ही डिटेल ले लेगा, जो भी हमारे पैन कार्ड में होगा उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल ले लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कुछ भी यहाँ पे डिटेल नहीं हुई है सही से तो आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे सही है, तो मैं इसको यहाँ पे एडिट की जगह नहीं कर रहा एडिट। अब मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई विद डिजी लॉकर कर देता हूँ और जिसमें कि हमारा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा आपको। अब हमने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नेक्स्ट किया और यहाँ पे हमारा ओटीपी आएगा हमारे फोन नंबर पे, जो भी हमारा आधार कार्ड से कनेक्टेड होगा। फिर हम यहाँ पे ओटीपी डाल के कंटिन्यू पे टैप कर देंगे, हमारा अब वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर डिजी लॉकर पे सिक्योरिटी पिन सेट नहीं है तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से कोई भी सिक्योरिटी पिन सेट है तो आप वो डाल के भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टैप करते हैं आगे, डिजी लॉकर को आगे बढ़ा देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक सेल्फी लेके यहाँ पे इस पर अपडेट करनी होगी, तो यहाँ पे हम इस पर टैप करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम एक सेल्फी लेके इस पर यहाँ पे टैप कर देंगे और यहाँ पे हमारी फोटो यहाँ पे क्लिक हो चुकी है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम यहाँ पे टैप कर देंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। फिर हम यहाँ पे आगे सबमिट पे कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये हो चुका है ऑलमोस्ट, हमारा ये लोड हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा फोन नंबर वेरिफिकेशन वगैरह हो चुका है, अभी हमारा रिव्यू पे जा चुका है। सो अब हम यहाँ पे कुछ घंटों का वेट करते हैं।
गाइस जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हमारा यहां पे जो मेल का आना वो आ चुका है, केवाईसी अप्रूव्ड, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे हम यहां पे 48 आवर्स के अंदर यहां पे अगर पैसे डिपॉजिट करते हैं इसमें, तो हमें $25 का यहां पे इनको इनकी तरफ से कैशबैक मिलता है, मतलब जो भी आप कह सकते हो टॉपअप मिलता है। और ये अप्रॉक्स मुझे 4 से 5 घंटे लगे वेरीफाइड होने में, जैसे हमने यहाँ पे किया था तो 4-5 घंटे बाद ही मेल आ चुका था, तो आराम से इजीली बहुत जल्दी आपका हो जाता है। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट में चलते हैं, सो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसकी सेटिंग्स में जाके। जैसे हम अकाउंट्स में चलते हैं, वेरीफाइड ये आप देख सकते हैं, वेरीफाइड का यहाँ पे साइन आ चुका है जो, और जो पहले अनवेरीफाइड दिखा रहा था अब यहाँ पे हमें वो वेरीफाइड दिखाएगा जैसे ही ओपन होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा वेरीफाइड आ चुका है, यहाँ पे वेरीफाइड अकाउंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपने पैसे वगैरह डिपॉजिट करके यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह आराम से कर पाएंगे। अब सारी चीजें यहाँ पे हमारी एक्टिवेट हो चुकी है, बस आपको यहाँ पे पैसे अपने डालने और यहाँ पे आप इसमें इजीली ट्रेड कर पाएंगे। आगे मैं यहाँ पे फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है क्रिप्टो के लिए, यहाँ पे वो भी लाऊंगा। अगर आप नीचे कॉमेंट करते हो तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे बनाऊंगा कि इसमें हम कैसे डिपॉजिट करते हैं अपने इंडियन रुपीज में, क्रिप्टो कैसे यहाँ पे बाय करते हैं। सो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस यही था बस हमारी आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।